दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं ट्रू कॉलर एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाते हैं और ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। आज के वीडियो अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो आप ट्रू कॉलर को चलाना काफी आसानी के साथ समझ जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। ट्रू कॉलर का काम है दोस्तों कोई आपको कॉल करेगा तो उसका नाम या वो कहाँ का रहने वाला है ये टोटल जानकारी देता है, और साथ में दोस्तों ये भी जानकारी देता है कि वो किससे मतलब कोई बातें कर रहा है आपके कॉन्टेक्ट में जिसका नंबर सेफ है, और वो अगर बातें कर रहा है तो बिना कॉल किए आप देख सकते हो कि वो अभी बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर वो किया भी है तो कितना देर पहले वो किसी से बात किया है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, तो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद ये परमिशन मांगेगा आपके कॉन्टेक्ट का तो आपको इसे परमिशन देना होगा, उसके बाद आपके फोन का परमिशन मांगेगा, उसके बाद एसएमएस का टोटल जिसका परमिशन ले लेता है, उसके बाद आपको इसमें अपना साइन अप करना होता है। तो दोस्तों साइन अप करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से कंटिन्यू करना होता है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सेप्ट एंड एग्री पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आपके नंबर को वेरीफाई कर लेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा कॉल आएगा, उसके बाद ये वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप नेम मैन्युअली, जैसे कि यहाँ पर नाम ये आपको डालने को बोलता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर वही नाम टाइप करना है जैसे कि आप जो नाम शो कराना चाहते हैं। जैसे कि कोई आपका नंबर को सर्च करेगा तो वहां पर आपका नाम क्या शो हो तो वही यहाँ पर शो होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर पी के लिख के यहाँ पर एस यहाँ पर ए के लिख देते हैं, तो कुछ इस तरह से ये मेरा नाम शो होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका फोटो भी शो हो तो आप यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कैमरा का आइकन है, आप इस पर क्लिक करके अगर फोटो लगा दोगे तो आपको वहां पर फोटो भी शो हो जाएगा। जैसे कि आपके नंबर को कोई सर्च करेगा तो वहां पर ऑटोमेटिक ये शो हो जाएगा, अगर आप चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये आगे बढ़ने के लिए दिया गया, अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो या फिर आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद ये आपके कुछ सेटिंग का परमिशन लेता है, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ परमिशन लेता है, जैसे कि ओवर ऐप का यहाँ पर इसे परमिशन देना होता है ताकि कोई भी कॉल करे तो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप शो हो जाए और उसका नाम पहले ही आपको बता दे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, तो आपको इसे लेटर करना है, उसके बाद यहाँ से गो इट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर लेटर पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर यहाँ से डिसमिस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे कि जितने लोगों का कॉल आया हुआ है ये टोटल चीज यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद साथ में दोस्तों ये जो नंबर है, मान लीजिए ये नंबर कितना देर पहले किसी से बात हुआ, तो यहाँ पर एक मिनट पहले बात हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे कोई भी मतलब बात करते रहेगा तो ये जो जहाँ यहाँ पर एक मिनट लिखा हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पर रेड कलर का ब्लिंकिंग करेगा तो समझ लीजिएगा कि वो बंदा अभी बातें कर रहा है, और यहाँ पर साइड में लिख भी देगा कि ऑन ए कॉल, तो यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि वो अभी बंदा बातें कर रहा है। तो दोस्तों ट्रू कॉलर को रखने से काफी ज्यादा फायदा भी है और नुकसान भी है, जैसे कि अगर आप बातें करते हो और कोई अगर उधर से चेक कर लेगा कि अभी आप बिजी हो या नहीं, तो ये भी इसमें सेटिंग दिया गया है, अगर आप चाहते हो ऑफ करना तो सेटिंग में जाकर उस सेटिंग को भी आप ऑफ कर सकते हो। ऐसे हमने उस पर प्रॉपर वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का भी आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।